देर रात देश भर में हरतालिका तीज का त्योहार महिलाओं के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, लेकिन उस कार्यक्रम में विधर्मी या वर्ग विशेष के युवकों ने घुसने का प्रयास करा और उनकी धरपकड़ के लिए देर रात तक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इंदौर के राजबाड़ा से तकरीबन 14 से अधिक युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद है। भाई साहब, किस तरह से ये योजना बनाई गई थी और कितने कार्यकर्ता पकड़े गए? देखिए, जहां भी सनातन का पर्व होता है वहां हमारे बजरंग दल के जो हमारे युवा हैं वो वहां अपनी सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से देखरेख करते हैं। कल भी हड़तालिका तीज का कार्यक्रम था, हमारी मातृशक्तियाँ और हमारी बहनें माँ गौरी की पूजा कर रही थी और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रमी हुई थी। वहाँ हमारे बजरंग दल के साथियों ने देखा कि कुछ विधर्मी जो है मातृशक्तियों के बीच में राजवाड़ा में और अन्य स्थानों पर घुसे हैं, तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि वहाँ पर उनका कार्य क्या था। हड़तालिका तीज जो होता है वो महिलाओं का पर्व होता है, वहाँ पुरुषों का क्या काम है और इन विधर्मियों का क्या काम है या मुस्लिम समुदाय के युवकों का वहाँ काम क्या है? तो हमारे बजरंग दल के जो युवक थे, जो भी बजरंग दल की टीम थी, उन्होंने चिन्हित किया ऐसे विधर्मी मुस्लिम लड़कों को और प्रशासन को सौंपा, क्योंकि वहां पर वो मात्र शक्तियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनकी भावनाएं ठीक नहीं थी, उस त्यौहार में उनके अंदर जो प्रस्तुतियां हो रही थी उसमें वो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे जो कि समाज के लिए गलत है। और इस प्रकार का कृत्य यदि वो कर रहे हैं हम सनातनियों के पर्व में, तो उनको एक स्पष्ट संदेश है कि ये बंद कर दे, क्योंकि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। यदि ये कार्रवाई शासन और प्रशासन नहीं करता है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपनी कार्रवाई करेगा। किस तरह से कार्रवाई करेगी? लव जिहाद और ये हमारी बेटियों को बरगलाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना और कई तरह की योजनाएं इन विधर्मियों के द्वारा बनाई जाती है। मैं स्पष्ट उनको कहता हूं कि ये सब वो छोड़ दें। यदि वो कहते हैं कि समाज जो है वो सभी का है, तो वो भी एक अच्छे सामाजिकता का परिचय दें, केवल मुसलमान होने की बात न करें, कट्टरपंथ की बात न करें, क्योंकि सनातन तो वैसे भी सभी धर्मों की जय की बात करता है, कट्टरपंथ की बात नहीं करता है। इस प्रकार के कट्टरपंथी लोग यदि सनातनी उत्सव में घुसते हैं तो निश्चित तौर पर सनातनियों को भी कट्टरपंथ अपनाना पड़ेगा। यह थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रमुख नेता संतोष शर्मा, जिनका कहना है और खुले रूप से चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि आने वाले दिनों में हमारे जो त्यौहार होते हैं उनमें वर्ग विशेष या अन्य वर्गों के लोगों ने इस तरह से हस्तक्षेप किया तो उनकी खैर नहीं रहेगी और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पर खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।